हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑनलाइन टीएसपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में 12th क्लास का एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग पिछला वीडियो 5.4, 5.3 और 5.2 का जरूर देखे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम लोग 5.5 देखते हैं। 5.5 जो चैप्टर है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें का एक एक प्रश्न आप लोग सही से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो भी प्रश्न आपको अगर एग्ज़ाम में आती है तो समझिए यहाँ से आपको 5 नंबर दिलाएगा। इसलिए आप लोग धैर्य बनाकर एक एक क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखेंगे। तो चलते हैं, पहला प्रश्न है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5। आपके पास बुक है तो बुक से मिला सकते हैं। पहला प्रश्न है वाई बराबर कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। तो ध्यान से देखिए, वाई बराबर कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। इसमें देखिए, तीन फंक्शन आपको गुना में है। तो हम पढ़ाए थे कि दो या दो से अधिक फंक्शन या फंक्शन के पावर फंक्शन रहे तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग लॉग लेकर बनाते हैं। तो यहाँ तीन फंक्शन गुना में है तो हम लोग लॉग ले लेंगे। तो टैकिंग लॉग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ लॉग लेने पर टैकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पर लॉग ले लेंगे तो इधर हो गया लॉग वाई लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स हो गया। अब देखिए लॉग वाई, आप लोग को पता होगा कि जब भी लॉग में जब प्रोडक्ट होगा तो वो जो टूटेगा वो आपका प्लस में टूटेगा। जैसे एक फॉर्मूला आपको हम बताए होंगे, लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग का नियम, जब गुना में रहता है तो वो प्लस में टूटता है और भाग में रहता है तो माइनस में टूटता है। तो यहाँ गुना में है तो हम इसको तोड़ देंगे तो लिख देंगे लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस टू एक्स प्लस लॉग कॉस थ्री एक्स। देख सकते हैं, अब जब ये पूरा टूट गया अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए लॉग वाई का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो वन बाई वाई वाई है तो यहाँ डी वाई डी एक्स। ध्यान दीजिए लॉग वाई तो वन बाई वाई डी वाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे चेन रूल लगेगा, लॉग कॉस एक्स तो पहले लॉग का करेंगे तो लॉग के लिए एक्स का काम, तो लॉग एक्स का क्या होता है वन बाई एक्स, तो वन बाई कॉस एक्स, और फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और एक्स का क्या वन चेन रूल के हिसाब से, फिर प्लस। अब करेंगे लॉग कॉस टू एक्स का, तो लॉग कॉस टू एक्स का लॉग एक्स का वन बाई कॉस टू एक्स, और फिर कॉस टू एक्स का माइनस साइन टू एक्स, और टू एक्स का टू प्लस। लॉग कॉस थ्री एक्स तो लॉग एक्स इसके लिए क्या हुआ एक्स, तो वन बाई कॉस थ्री एक्स, फिर कॉस थ्री एक्स के माइनस साइन थ्री एक्स, और फिर थ्री एक्स के थ्री। तो यहाँ पे से हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। ई वाई इधर आएगा तो वाई माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स प्लस माइनस यहाँ पे टू साइन टू एक्स बटा कॉस टू एक्स प्लस माइनस थ्री यहाँ पे साइन थ्री एक्स, तो साइन थ्री एक्स बटा कॉस थ्री एक्स। आप देख सकते हैं तो यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स। अब वाई बराबर क्या था, तो वाई बराबर में हम लोग का प्रश्न क्या था कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे कॉस टू एक्स, सॉरी कॉस एक्स से पहले इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। यहाँ पर हो जाएगा, मैं इसको टेन में भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ देंगे साइन एक्स बटा कॉस एक्स माइनस टू साइन टू एक्स बटा कॉस टू एक्स माइनस थ्री साइन थ्री एक्स बटा कॉस थ्री एक्स। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। और आपको मन करे थोड़ा सा और बढ़ाने का आते हैं, इसको एलसीएम लेकर बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप बुक में आंसर मिला सकते हैं, अगर आगे होगा तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस टाइप का प्रश्न आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा, और
पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा में क्या कहता है कि वाई बराबर रूट अंडर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बट्टा एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो टैकिंग यहाँ हम लिखे नहीं है, डायरेक्ट ले लिए लॉग बोथ साइड, टैकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे ही लॉग लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग वाई और लॉग, ध्यान दीजिए रूट का मतलब है कि पावर में एक बटा टू, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बटा एक्स माइनस थ्री टू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव के पावर एक बटा दो। लॉग का ये रूट का मतलब क्या होता है कि पावर में एक बटा दो, तो इतना के पावर एक बटा दो मतलब यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अब देखिए आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, लॉग एक्स के पावर एम बराबर एम लॉग एक्स, पावर क्या होता है आगे आता है, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, तो वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू बटा एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव हो गया। अब क्या करेंगे, ये टू को इधर ले आइए साइड में कर दीजिए, टू लॉग वाई। अब देखिए यहाँ पे लॉग एम बटा एन भाग में है, तो लॉग एम माइनस एन होता है फॉर्मूला, तो लॉग टूट जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये ऊपर वाला हो गया माइनस, ये सब नीचे में चला जाएगा, नीचे वाला माइनस में लॉग एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। अभी तक हम लोग डिफ्रेंशिएशन नहीं किया, अभी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं लॉग के नियम से। तो लॉग एम बटा एन, तो लॉग एम ऊपर वाला को एम मान लीजिए, इसको नीचे, तो लॉग एम अब माइनस लॉग एन। फिर देखिए टू लॉग वाई, अब क्या है लॉग एम इंटू लॉग एन, लॉग एम इंटू लॉग एन बराबर क्या हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन, प्लस में टूट जाएगा इंटू में रहेगा तो प्लस में। अब माइनस देखिए लॉग एक्स माइनस थ्री इंटू, यहाँ भी इंटू है तो ये सब भी क्या होगा प्लस में टूटेगा, ये आगे माइनस है तो सबको कर देगा माइनस, मतलब लॉग एक्स माइनस थ्री यहाँ पे प्लस में टूटता है तो आगे है माइनस, तो माइनस कर देगा लॉग एक्स माइनस फोर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव। अब देखिए अब पूरा टूट गया, अब क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा आपको लॉन्ग प्रश्न में आएगा लॉन्ग अप टू लॉग वाई के क्या लिखेंगे वन बाई वाई डी वाई डी एक्स बराबर, देखिए लॉग एक्स माइनस वन के लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन वन माइनस एक्स माइनस वन, और फिर एक्स का हो जाएगा वन और वन का जीरो, तो कुछ नहीं चेंज होगा। तो लॉग एक्स माइनस टू का वन बाई एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री का वन बाई एक्स माइनस थ्री, फिर वन बाई एक्स माइनस फोर, फिर लॉग एक्स माइनस फाइव का वन बाई एक्स माइनस फाइव। आप देख सकते हैं अब यहाँ से डी वाई डी एक्स निकालेंगे, तो देखिए ये वाई इधर आएगा और टू बटा में जाएगा, तो वन बटा टू गुने वाई, वाई यहाँ पे ला दिया टू नीचे रख दिए, वन बाई एक्स माइनस वन प्लस वन बाई एक्स माइनस टू माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री माइनस वन बाई एक्स माइनस फोर माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव, ये हो गया। अब डी वाई डी एक्स वन बाई टू, इस वाई के जगह पे जो मेरा प्रश्न था, प्रश्न ये था वाई बराबर क्या था रूट अंडर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, तो इसको हम लोग लिख देते हैं। तो वाई के जगह पर जो प्रश्न था उसको लिख देंगे रूट अंडर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बटा था एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव, ये आपको वाई के जगह पे हो गया, बटा वन बाई एक्स माइनस वन वन बाई एक्स माइनस टू माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री माइनस वन बाई एक्स माइनस फोर माइनस वन बाई एक्स माइनस फाइव, ये आपका आंसर हो गया। देख सकते एक्सरसाइज 5.4 का दूसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, आप इस तरह से इस प्रश्न को बना सकते हैं। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं, देख सकते हैं कि हम लोग का तीसरा प्रश्न है क्या y बराबर log x के पावर cos x। देख सकते हैं तीसरा प्रश्न, तो तीसरा प्रश्न हम लोग लिखते हैं क्या y बराबर log x के पावर cos x। ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर फंक्शन के पावर फंक्शन है तो हम लोग लॉग लेंगे, तो लॉग लीजिए टैकिंग लॉग
बोथ साइड। लॉग हम लेंगे तो यहाँ पे हो गया लॉग वाई बराबर लॉग लॉग एक्स के पावर कॉस एक्स। अब देखिए, अब इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, लॉग वाई ये पावर क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा तो कॉस एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए लॉग वाई का क्या हो जाएगा, वन बाई वाई डी वाई वाई डी एक्स बराबर। अब कॉस एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स है, मतलब ई इंटू भी, तो इसमें क्या करेंगे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स, तो लॉग एक्स को छोड़ देंगे प्रोडक्ट रूल। फिर अब किसको करेंगे, कॉस एक्स को छोड़ेंगे तो लॉग एक्स का, तो लॉग के लिए एक्स का काम, तो लॉग एक्स का वन बाई क्या लिख देंगे, यहाँ पे लॉग एक्स हो जाएगा, फिर लॉग एक्स का वन बाई एक्स जनरल से लॉग एक्स का। तो सबसे पहले इस लॉग का काम करेंगे तो इस लॉग के लिए एक्स हो गया, तो लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स एक्स जगह पर क्या लॉग एक्स, फिर इस लॉग एक्स का तो वन बाई एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा, ध्यान से देखिए यू वाई इधर आएगा तो वाई नाम माइनस साइन साइन एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स बटा एक्स लॉग एक्स। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, वाई क्या था, तो जो आपका प्रश्न में था वाई क्या था, तो लॉग एक्स के पावर कॉस एक्स प्रश्न में था, आप देख सकते हैं वाई बराबर लॉग एक्स के पावर कॉस एक्स। तो इसको हम लोग लिख दिए तो माइनस साइन एक्स लॉग लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स बटा एक्स लॉग एक्स, ये आपका आंसर हो गया। देख सकते हैं तीसरा प्रश्न आराम से आपको समझ में आ गया होगा, इसका सलूशन आप लोग जरूर बनाएंगे, केवल सलूशन देखिए नहीं, सलूशन देख कर आप लोग जरूर एक बार खुद अटैम्प्ट कीजिए। अब देखते हैं चार नंबर प्रश्न। चार नंबर प्रश्न क्या क्या कहता है कि y बराबर एक्स के पावर एक्स माइनस टू के पावर साइन एक्स, एक्स के पावर एक्स माइनस टू के पावर साइन एक्स। तो इसमें देखिए जब भी दो या दो से फंक्शन अधिक अगर जो प्लस में रहे या माइनस में रहे तो हम लोग उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट एक को मान लेंगे u और एक को मान लेंगे v, मतलब x के पावर x को हम लोग u मान लिए और 2 के पावर साइन एक्स को भी मान लिए, मतलब यहाँ से y बराबर बन गया क्या, इसको u माइनस भी क्वेश्चन वन मान लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो u बराबर पहले इसका करेंगे u के x के पावर x, तो हम लोग फिर इसमें क्या करेंगे log लेंगे, तो log u लिख देंगे कि दोनों तरफ log लेने पर log u log x के पावर x। तो यहाँ पे हो जाएगा log u बराबर ई एक्स आ जाएगा, तो एक्स इंटू लॉग एक्स। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएशन करें। तो देखिए यू है तो लॉग यू का वन बाई यू, और जब यू है तो डी यू बाई डी एक्स, वाई रहता तो डी वाई बटा डी एक्स, यू है तो डी यू बटा डी एक्स। अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट रूल, एक्स का वन तो लॉग एक्स को छोड़ देंगे प्लस, अब एक्स को छोड़ेंगे लॉग एक्स का वन बाई एक्स। तो यहाँ से डी यू बटा डी एक्स क्या आ गया, यू इधर आएगा तो यू लॉग एक्स 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 का तो वन, तो डी यू बटा डी एक्स। यहाँ से देखिए यू क्या था, तो एक्स के पावर एक्स माने थी तो लॉग एक्स प्लस वन, इसको समीकरण दो मान लीजिए। डी यू बटा डी एक्स निकल गया, फिर हम नीचे ही बना देते हैं, फिर हम लोग वी बराबर क्या माने थे, टू के पावर साइन एक्स, टू के पावर साइन एक्स। तो ध्यान दीजिए यहाँ हम लॉग भी ले सकते हैं और ऐसे भी डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो देखिए आपको एक फार्मूला याद होगा, हम डायरेक्ट बताते हैं, जो डायरेक्ट बन जाएगा उसको डायरेक्ट आप बना सकते हैं। ए के पावर एक्स का देखिए डिफरेंशिएशन, ए के पावर एक्स बटा डी एक्स तो क्या था, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो इस फार्मूला पर हम इसको ए के पावर है, इसको ए मान लेंगे, इसको एक्स मान लेंगे, तो ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो लॉग टू, और फिर साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, समीकरण तीन। अब समीकरण एक से एक में हम क्या माने थे, वाई बराबर एक को यू मान लिए थे एक को भी, तो वाई बराबर यू माइनस भी, तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू है तो डी यू बटा डी एक्स
माइनस डी वी बटा डी एक्स। अब डी यू बटा डी एक्स कितना है तो यहाँ पे निकाले हैं समीकरण दो में, तो x के पावर x इंटू लॉग एक्स प्लस वन माइनस डी वी बटा डी एक्स कितना है तो देखिए 2 के पावर साइन x इंटू कॉस x इंटू लॉग 2 आप पहले कर सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया, देख सकते हैं। तो बहुत आसान प्रश्न था, आपको एक को u मान लेंगे एक को भी मान लेंगे, जब भी दो फंक्शन अगर जोड़ प्लस में रहे या माइनस में रहे तो हमको एक को u मानेंगे और एक को भी मानेंगे तो मेरा सलूशन रेडी हो जाएगा। चार तक कंप्लीट है, अब पाँच नंबर प्रश्न देखते हैं। पाँच क्या कहता है, पाँच में देखिए कि y बराबर एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस फोर का क्यूब इंटू एक्स प्लस फाइव के पावर फोर। तो यहाँ फिर फंक्शन का ये फंक्शन दो या दो से अधिक फंक्शन गुना में है तो हम लोग लॉग ले लेंगे, तो टैकिंग लॉग बोथ साइड तो देखिए लॉग लेंगे तो लॉग वाई बराबर लॉग एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस फोर का क्यूब इंटू एक्स प्लस फाइव के पावर फोर। अब इसको तोड़ेंगे लॉग वाई लॉग एम इंटू एन इंटू पी यानी फंक्शन गुना में है तो आपको प्लस में टूट जाएगा, तो लॉग एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस फोर का क्यू प्लस लॉग एक्स प्लस फाइव के पावर फोर। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर अभी लॉग से टूटेगा तो ये पावर क्या होगा आगे आएगा, तो पावर टू लॉग एक्स प्लस थ्री इंटू थ्री लॉग एक्स प्लस फोर प्लस फोर लॉग एक्स प्लस फाइव। अब हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई के वन बाई वाई डी वाई डी एक्स। अब देखिए टू लॉग एक्स प्लस थ्री का तो वन बाई एक्स प्लस थ्री, फिर थ्री लॉग एक्स प्लस फोर का वन बाई एक्स प्लस फोर प्लस फोर लॉग एक्स प्लस फाइव का तो वन बाई एक्स प्लस फाइव। अब यहाँ से डी वाई डी एक्स निकल जाएगा, ये वाई इधर आएगा तो वाई बराबर टू बटा एक्स प्लस थ्री, थ्री बटा एक्स प्लस फोर और फोर बटा एक्स प्लस फाइव। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हम लोग y बराबर पुट कर सकते हैं, तो y बराबर आपका जो प्रश्न था प्रश्न x प्लस थ्री का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस फोर का क्यूब, इसको हम लोग पुट कर देंगे तो x प्लस थ्री का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस फोर का क्यूब इंटू एक्स प्लस फाइव का फोर, टू बटा एक्स प्लस थ्री, थ्री बटा एक्स प्लस फोर, फोर बटा एक्स प्लस फाइव। आप यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, अगर आपके बुक में अगर आंसर दूसरा है कहीं आंसर आगे बढ़ाया होगा आप देख लीजिएगा, तो क्या करेंगे इन दोनों का तीनों का एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे और तो आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको एक से पाँच तक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिए आज के वीडियो में हम लोग एक से पाँच तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग छः नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग एक से पाँच तक के क्वेश्चन को सही से देख लेंगे और आप लोग जरूर एक बार खुद से जरूर बनाएंगे, उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे और आपसे आराम से एनसीईआरटी का एक एक प्रश्न आप लोग से बन जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आपको का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, आपका मैथ जरूर कम्प्लीट होगा और पेपर बहुत अच्छा जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।